कैसे अरेस्ट कर सकते हो? तुम्हें खतरे में, बहुत बुरी तरह से फंसे, बाबा जी के जालों से वापस आना होगा। अरे लोग तेरे साथ भूल कर सकती है यार। आकर ही तू यहाँ पे मम्मी क्यों वापस आई? बाबा जी नस्ते भी कहीं हैं तो क्या कर लेगा? कुछ मैं कर सकता तू? जप नाम जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, MX Player के प्लेटफॉर्म पर अब आश्रम का season 3 रिलीज हो चुका है, जिसके टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड के लिए दोस्तों 40-45 मिनट्स के बीच की है। लेकिन इस वीडियो में हम season 3 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे season 4 की, क्योंकि आश्रम का season 4 भी रिलीज होने जा रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने season 3 को नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे थोड़े से स्पॉयलर्स की बात करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आश्रम 4 का आखिर रिलीज़ कब होने वाला है। तो दोस्तों आश्रम के season 3 की एंडिंग में आपने देखा कि किस तरीके से बाबा निराला या भगवान निराला और पम्मी अब कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान निराला एक ऐसी चाल चलते हैं जहां वो कोर्ट को ये कन्विंस कर देते हैं कि उनका शुद्धिकरण हो चुका है और उनके हाथों कभी कोई रेप नहीं हुआ, और बल्कि बदले में अब पम्मी को जेल जाना पड़ता है क्योंकि कुछ केसेस उसके खिलाफ भी पेंडिंग है, और पम्मी चली जाती है जेल। और यहीं पर दोस्तों आश्रम के season 3 को एंड किया गया, लेकिन उसके बाद हमें आश्रम के season 4 का एक टीज़र दिखाया गया, जहां दिखाया गया कि कैसे पम्मी अब जेल से निकलकर खुद रिक्वेस्ट करती है कि उसे आश्रम में रहना है, और वो आश्रम में आ जाती है। और आश्रम में आने के बाद अब बोपा स्वामी उसके ऊपर कुछ अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बोपा स्वामी और पम्मी का एक ऐसा सीन दिखाया गया है जहाँ आपको इंडिकेशन दी गई है कि शायद बोपा स्वामी और पम्मी के बीच में कुछ होने जा रहा है, और इस सब पर नज़र रख रहे हैं हमारे बाबा निराला या भगवान निराला। तो यानी कि season 4 जो है दोस्तों आश्रम का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो और अगर आपने इसके टीज़र को पूरे तरीके से देखा हो तो उसके एंड में दोस्तों प्रकाश झा प्रोडक्शंस की टीम ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि 2023 में आपको आश्रम का season 4 देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 में दोस्तों आखिर कब? तो दोस्तों अगर आप इसके season 1, season 2 और season 3 का एक ट्रेंड देखें तो दोस्तों हर एक साल में एक सीज़न को रिलीज़ किया गया, लेकिन season 3 को दोस्तों 18 महीने का टाइम लगा रिलीज़ होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना बीच में आ गया था। वरना अगर आप देखें तो जो इनकी प्रोडक्शन टीम है उनकी पहले से ही प्रिपरेशन चालू होती है, और जब किसी एक सीज़न को एंड किया जाता है तो अगले सीज़न की पूरी स्क्रिप्टिंग और तैयारी पूरी हो चुकी होती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि season 4 की प्रिपरेशन भी जो इसके प्रोडक्शन हाउस है उसकी कंप्लीट है, और जैसे ही दोस्तों अब season 3 को जो 2 महीने का एक रीच मिलने वाला है, उस टाइम पर दोस्तों इसके प्रोडक्शन शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा और इसको क्लियर किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, और दोस्तों उसके बाद एग्जैक्टली 2 महीने के बाद इसकी शूटिंग चालू होने जा रही है। हालांकि कुछ शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 2 महीने बाद इसकी शूटिंग चालू होने जा रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों मार्च या अप्रैल, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2023 में मार्च या अप्रैल है वो MX Player का टारगेट है कि आपको season 4 रिलीज़ करके दे दिया जाए। तो दोस्तों अगर आपने season 3 देख लिया है और आप season 4 का वेट कर रहे हैं आश्रम के, तो आपको दोस्तों अगले मार्च या अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा, जहां आपको दोस्तों season 4 भी देखने को मिल जाएगा। season 3 दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और season 4 का इंतजार कर रहे हो तो भी कमेंट सेक्शन में जप नाम ज़रूर लिख देना। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।